हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदय चैनल। सीजीएल 2019 में टायर वन में जो जीके के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस क्या, मोस्टली हमें याद ही करना है, तो फटाफट देखेंगे क्वेश्चंस और याद करेंगे। बाद में मैं इसकी कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा, कंपाइल्ड वीडियो को एक साथ अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहला है, द नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st Century Fox, ठीक है। 21st Century Fox को किस मीडिया कंपनी ने खरीदा था अभी? तो डिज्नी ने खरीदा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, देखो सोनी नहीं खरीद सकता, सोनी क्यों खरीदेगा? 21st Century Fox जो है वो तुम्हारी एक मूवी बनाने वाली प्रोडक्शन हाउस है, तो उसको डिज्नी ही खरीदेगा जो उस बिजनेस में ऑलरेडी है। वेटरन फीडबैक फिर भी याद होना चाहिए, ऐसे तुक्का मत लगाना, ठीक है। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सावित्री बाई फुले जो थी वो किस स्टेट से थी? तो नाम सही लग रहा है, सावित्री बाई फुले, फुले एक्चुअली महाराष्ट्रीय नहीं होते हैं, ठीक है। तो सावित्री बाई फुले कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया? तो सीधा सा आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को फिक्स करता है। In which year Sanchi was discovered by being an abandoned for nearly 600 years? ठीक है, Sanchi को discover किया गया था जो कि कब discover किया गया था? Sanchi को discover किया गया था 1818 में, ठीक है। तो अब ये question तो आप exam में नहीं कर पाओगे मेरे according, ठीक है, impossible है। Sanchi को discover किया गया था 1818 में, बस ये देखा करो कौन से कर पाओगे। श्रीलंका के जो अभी के फरवरी में राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या? गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे वहां के क्या है? प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कंफ्यूज मत होना, अब ये क्वेश्चन करने लायक है, पिछला वाला क्वेश्चन करने लायक नहीं था। मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन करने लायक है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो रोम में है, ठीक है। एक्चुअली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी रोम में है, ठीक है। तो वहां से आप गेस कर सकते हो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहां पर होगा? रोम में होगा, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर? फीमर। फीमर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी अगर आपने 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो काफी ज्यादा आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी इन द मिशन मंगल? ठीक है, मिशन मंगल मूवी अगर आपने देखी होगी तो मिशन मंगल की जो एक्ट्रेस थी वो विद्या बालन थी। भूपेश बघेल कहां के चीफ मिनिस्टर हैं? भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अराकू वैली जो है वो कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है। अराकू वैली साउथ इंडिया में कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। जीएसटी का लॉटरी पे कितना परसेंटेज है? 28% है, ठीक है। तो जीएसटी के रेट हमें देखने पड़ेंगे एक बार, जीएसटी का जो रेट है वो 28% है लॉटरी पे। हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली ओनली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड इन 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज में डबल हंड्रेड लगाने वाले 4 बार कौन है? विराट कोहली। ये तो स्पोर्ट्स का है, लेकिन स्पोर्ट्स का नहीं है, स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो ये अगर आपने डेली फॉलो किया होगा न्यूज को तभी आप बता पाओगे। वट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ड्राई आइस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फॉर इंडिया हु इनॉग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग द फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिम्स टू? ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर पे एक्चुअली अभी हम लोगों ने उसको एज अ पिलग्रिम गुरु नानक देव जी का मनाया था, तो उस पे किसने इस चीज को इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी ने। एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी विजयनगर? तो सिंपल है, विजयनगर अभी प्रेजेंटली में कौन सा स्टेट है? तो कर्नाटका। ये पता होना चाहिए अगर आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा है, कि जो एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी है कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो विजय आपका जो एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी है जो विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट था वो कर्नाटक में। नेम द ऑथर हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? ठीक है, अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है, काफी पॉपुलर बुक थी, न्यूज में भी थी, ठीक है। द्रोणावेली हरिका को पद्मश्री अवार्ड मिला है चेस, चेस में मिला। देखो इसको याद करना पड़ेगा, पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड तुमको याद करने पड़ेंगे। तो ऐसा किया करो, जैसे मान लो जब भी कोई लिस्ट आएगा तो उसमें नोट कर लिया करो किसको क्या क्या मिला है, कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो पद्मश्री अवार्ड मिला है किसको? द्रोणावेली हरिका को, चेस में, ठीक है। नेक्स्ट,
कोलाथुनाडु वल्वुनाडु एंड कुमुकुर वॉज एन एंशंट स्मॉल टाउन इन द स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, एक्चुअली कोलाथुनाडु वल्वुनाडु और कुकुमुकुर ये किस स्टेट के किंगडम्स है, तो केरला के हैं. ठीक है, अब ये तुम नहीं बता पाओगे, बहुत डीप क्वेश्चन है. रेड वर्म्स जो होते हैं वो अपना खाना बचाने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो गिजर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. इंटेस्टाइन हो नहीं सकता, क्रॉप हो नहीं सकता, ईसोफेगस हो नहीं सकता, आंसर क्या होगा? गिजर्ड. मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन ये सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है. ठीक है, सिक्स क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर भी अगर तुमने नहीं पढ़ा तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना. सर, थॉमस रो केम एज अ ऑफिशियल एम्बेसडर. थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था, याद रखना. हॉकिन किसके शासनकाल में आया था? थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कॉन्टिनी किसके शासनकाल में आया था? ये सब याद रखना. ठीक है सर, थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था. विच ऑफ दीज वर्ड्स रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स. इसकी मैंने वीडियो बनाई है लॉजी की, डॉग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? डॉग्स की स्टडी को बोलते हैं साइनोलॉजी. ठीक है, डॉग्स की स्टडी को बोलते हैं साइनोलॉजी. नेम द प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन. प्रीडोमिनेंटली यूज्ड विच ऑफ दीज एनिमल्स टू डिपिक्ट द लाइवली एंड फ्री स्पिरिट ऑफ हिज पेंटिंग्स. ओके, मकबूल फिदा हुसैन को प्रीडोमिनेंटली लाइवली एंड फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग्स. ठीक है, मकबूल अब ये तुम नहीं बता पाओगे. मकबूल फिदा हुसैन ने एक एनिमल को यूज किया अपनी पेंटिंग में, उसका नाम क्या? हॉर्स, मतलब हॉर्सेस को यूज किया उन्होंने, ये नहीं बता पाओगे. काफी कुछ क्वेश्चन करने लायक है, कुछ क्वेश्चन दो तीन चार पांच छह क्वेश्चन छोड़ने लायक है. सुल्तान कबूस बिन सईद ये कहाँ के अरब के लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर हैं? तो ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है. ओमान के हैं, ये भी नहीं बता पाओगे अगर तुमने करंट अफेयर में फॉलो किया होगा. तुमने करंट अफेयर में फॉलो किया होगा तो बता दोगे, क्योंकि ऑबिचुअरी का क्वेश्चन है, बता ले जाओगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय सलमान रश्दी. सलमान रश्दी बहुत पॉपुलर राइटर है, उनकी सारी बुक्स पता होनी चाहिए. तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस नहीं होगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस होगा. एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा है किसने? शशि थरूर ने. सैटैनिक वर्सेस, जिसके लिए उनको इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था, और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सब उन्होंने ही लिखी है. बहुत अच्छी अच्छी किताब है. 25 क्वेश्चन हो गए, तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे. बस इस वीडियो को आप देख के ये देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो. ठीक है, मेरे हिसाब से तीन चार क्वेश्चन छोड़ के सारे करने लायक थे. ठीक है, बहुत आसान पेपर था. थैंक यू.